Hello guys, welcome back to Mamta Nepal tutorial, and in this video we'll take some more questions from teaching methodology portion, which is very important for PRT, TGT and PGT, all the exams, as well as even in the TGT natural science also. From now year onwards there will be 20 questions in this, and these questions are very easy, so I suggest you don't skip these questions. They are very easy and you can score good marks with that. So let's start with the question first. If students do not understand what is taught in the class, the teacher should. अगर बच्चों को समझ में नहीं आता कि पढ़ाया क्या जा रहा है क्लास के अंदर, तो टीचर को क्या करना चाहिए? एक तो चीज हो कि टीचर क्या होगा, एक्सप्लेन करे उसको डिफरेंट वे में, यानी एक तरीके से अगर बच्चे को नहीं समझ में आ रहा तो तरीका दूसरा चेंज करें. अगर आप ऑडियो वाइज समझा रहे हैं तो जो एड्स हो वो अलग यूज करें, यानी जैसे आप विजुअल एड्स यूज कर सकते हो, या फिर आप प्रोजेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं वो दे सकते हो, और केस स्टडी से आप समझा सकते हो, या कुछ अलग चीजों से आप उस चीज को, उस टॉपिक को समझा सकते हो. तो ये एक सबसे अच्छा वे होता है. ना कि आप ये नहीं कर सकते कि फील टेरिबली बोर, कि आप बच्चे नहीं समझ रहे हैं तो आप भी बोर फील करने लग जाए, तो ये नहीं हो सकता. फील दैट ही इज वेस्टिंग टाइम, तो ये भी नहीं कि वो वेस्ट कर रहे हैं, जो बच्चे हैं वो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इसलिए नहीं समझ रहे हैं, तो ये भी एक रीजन नहीं हो सकता. और पिटी द स्टूडेंट्स, यानी आप उनके लिए दया भावना रखें कि उनको समझ नहीं आ रहा, बेचारे बच्चे हैं, तो नहीं, ये चीज नहीं होती. आप उनको दूसरे तरीके से समझा सकते हैं. आपका तरीका मे भी एक बार समझ में नहीं आ रहा बच्चों को, तो आप किसी और तरीके से समझाएं. तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो है ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैम्पर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द क्लास. तो ऐसा कौन सा है जो हैम्पर, यानी रुकावट नहीं डालता एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्लास के अंदर. अ लेंथी स्टेटमेंट, एक बहुत ही लंबी स्टेटमेंट होगी, तो वो क्या हैम्पर करेगी? बिल्कुल करेगी, क्योंकि आप बहुत लंबा एक स्टेटमेंट आप बोले जा रहे हो, तो बच्चों को एक फुल स्टॉप चाहिए होता है कि कहाँ पे रुके, एक छोटा स्टेटमेंट चाहिए होता है. इतना बड़ा स्टेटमेंट नहीं समझ में आता, एक लंबी स्टेटमेंट नहीं समझ में आएगी, तो एक लेंथी स्टेटमेंट जो होगा वो तो हैम्पर करेगा. प्रिसाइज स्टेटमेंट जो होते हैं वो होते हैं बिल्कुल टू द पॉइंट स्टेटमेंट है, कि आपने एक नॉर्मल एक स्टेटमेंट दी है वो टू द पॉइंट है, आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है, तो ये प्रिसाइज स्टेटमेंट जो होगी वो कभी हैम्पर नहीं करेगी इफेक्टिव लर्निंग को. हमेशा यही चाहिए होता है, आप एक कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो छोटे सेंटेंस यूज करने चाहिए, ज्यादा बड़े यूज नहीं करने चाहिए. सी देखते हैं. एम्बिग्युअस स्टेटमेंट, एक एम्बिग्युअस स्टेटमेंट जो होती है वो होती है जिसके अंदर इंटरप्रिटेशंस बहुत ज्यादा आ जाते हैं, बच्चा उसको थिंकिंग करने लगे या फिर इंटरप्रिटेट करे, या ऐसे कुछ स्टेटमेंट्स होंगी, तो वो भी कभी भी ज्यादा कारीगर नहीं होती एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, एक समझने के लिए वो प्रॉपर नहीं होती. ऑप्शन डी देखते हैं. अ स्टेटमेंट विच अलाउ द लिसनर टू ड्रॉ हिज और हर ओन कंक्लूजन. तो एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि बच्चे खुद से एक स्टेटमेंट बना ले उसका, या उस स्टेटमेंट का एक कंक्लूजन बना ले खुद से, तो एक ऐसी स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो वो तो प्रॉब्लम दे देती है, क्योंकि हर स्टेटमेंट के काफी सारे व्यूज होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस वे में ले रहे हो. तो अगर लिसनर उस कम्युनिकेशन को गलत वे में ले रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं है, उसने खुद से एक कंक्लूजन बना लिया, उसका कोई प्रॉपर वे नहीं है, ये कम्युनिकेशन सही नहीं थी. तो अगर कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनाना है तो उसके लिए स्टेटमेंट जो होंगी प्रिसाइज होंगी, टू द पॉइंट होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विथ स्पेसिफिक रेफरेंस टू क्लासरूम एनवायरमेंट ऑल एक्सेप्ट वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ लिसनिंग. तो इनमें से कौन सा नहीं है लिसनिंग का वो देखना है. और लिसनिंग क्या होता है, यानी सुनना, आप नॉर्मली जो सुन रहे हो उसको लिसनिंग बोलेंगे. तो क्लासरूम के अंदर जो लिसनिंग का मतलब क्या है, हियरिंग हो सकता है, बीइंग अटेंटिव हो सकता है, यानी अगर आप लिसन कर रहे हो, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, तो आप अटेंटिव हो उस चीज के लिए. आंसरिंग जो होता है वो लिसनिंग का वे नहीं है, आपने लिसन किया लेकिन आप अगर आंसर कर रहे हो तो वो कम्युनिकेशन, लिसनिंग जो होता है वो वन वे कम्युनिकेशन होता है, यानी सिर्फ आप सुन सकते हो, आप बोल नहीं सकते उसके अंदर. आंसरिंग यानी वो स्पीकिंग पोर्शन में आ जाता है, तो ये इसका पार्ट नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग और रिमेम्बरिंग जो होगा वो लिसनिंग का पार्ट होगा, क्योंकि आप आराम से सुन रहे हो, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर कर रहे हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग भी आ रही है, और उसको आप याद करने का जो लिसन अगर आप बहुत अच्छे से करते हो तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं. तो ये भी एक तरीका होता है, लिसनिंग का एक फायदा होता है, लेकिन इसमें से कौन सा कंपोनेंट लिसनिंग का नहीं है वो है आंसरिंग, तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इन ऑर्डर टू मॉडिफाई द अनडिजायरेबल बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट,
दी मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज, अगर हमें मॉडिफाई करना है उसका अनडिजायरेबल बिहेवियर है बच्चे का, थोड़ा बिहेवियर में थोड़ी प्रॉब्लम है उसके, तो उसको अगर आपको सही करना है एक इफेक्टिव मेथड क्या होगा ये बताना है। तो पहला तरीका हो सकता है टू पनिश द स्टूडेंट, तो बिल्कुल नहीं, अगर आप पनिश करोगे तो वो कभी सीखेगा नहीं, उस चीज को सुधारने की कोशिश नहीं करेगा। दूसरा है टू ब्रिंग इट टू द नोटिस ऑफ द पेरेंट्स, तो ये है कि पेरेंट्स को आप बताओगे, उनके नोटिस में लेके आओगे कि आपका बच्चा ऐसा ऐसा कर रहा है, तो इसकी वजह से बच्चा जो होगा वो पेरेंट्स की नजरों में भी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक फील करेगा और उससे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी बल्कि और बिगड़ जाएगी। सी देखते हैं टू मेक हर और हिम कॉन्शियस ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज और हर एक्शन, तो इसके लिए आप उसको समझाओगे और ये चीज बोलोगे कि इससे आपके एक्शंस, जो आपने एक्शन लिए हैं इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं या क्या रिजल्ट आ सकते हैं, इससे किस किस को प्रॉब्लम हो सकती है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं, आप ये बताओगे तो ये भी बिल्कुल सही है, अच्छा तरीका है, आप बता सकते हो। लेकिन अगर बच्चा जब छोटा होगा, ज्यादा छोटा बच्चा है, तो वो चीजें नॉर्मली समझेगा नहीं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा टू फाइंड आउट द रीजन फॉर हिज और हर अनडिजायरेबल बिहेवियर, तो वो ये बिहेवियर कर क्यों रहा है पहले तो ये देखना पड़ेगा, आपको एक रीजन ढूंढना पड़ेगा उसके लिए कि क्यों कर रहा है, और उसके लिए एक प्रोवाइड करेंगे रेमेडी, यानी उसका एक सॉल्यूशन निकाला जाएगा जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो सकती है। तो ये बेस्ट तरीका है किसी भी एज के बच्चों को ये चीज देखने का या फिर उनके जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करने के लिए। तो ऑप्शन जो डी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो द टॉपिक विच इज बींग टॉट इन द क्लास रूम, द टीचर इन द क्लास रूम शुड, तो अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, वो फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं जो टॉपिक जिस हिसाब से बताया जा रहा है, टीचर जिस हिसाब से समझा रहा है, उनको नहीं समझ में आ रहा है वो चीज, तो ऐसा क्या करना चाहिए टीचर को क्लासरूम के अंदर, उनको क्या करना चाहिए उसी टॉपिक के एक सूटेबल एग्जाम्पल्स लेने चाहिए। जैसे अगर आपको एक सिचुएशन दी जाती है या एक टॉपिक समझाया जाता है तो वो टॉपिक्स क्लियर तब होते हैं जब उसे रियल लाइफ के साथ आप कनेक्ट कर सकें, तो ऐसे सूटेबल एग्जाम्पल्स उन्हें देने चाहिए जिसके हिसाब से वो उसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं उस टॉपिक को, और बच्चों को एक कनेक्ट कर सकते हैं एक रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका बेस्ट आंसर होगा। हम बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं, गिव देम, अगर हम उसको प्रॉम्प्ट रिप्लाई देते हैं तो ये एक सॉल्यूशन नहीं होता, इसका मतलब है कि आप सिर्फ उस टॉपिक का, जैसे किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन पूछा है तो आप सिर्फ उसका रिप्लाई कर रहे हैं, रिप्लाई कर देना एक सॉल्यूशन नहीं होता। जो बच्चा हेजिटेट कर रहा है, उसको समझ नहीं आ रहा लेकिन वो बोल नहीं पा रहा है, तो वो एक सॉल्यूशन नहीं होगा, आप इसका टॉपिक को क्लियर नहीं कर सकते उसके माइंड में। सी है चेंज द कंटेंट ऑफ द टॉपिक, तो टॉपिक को ही आप चेंज कर लो या फिर जो कंटेंट आपको इस टॉपिक का है आप उसी को चेंज कर लो कि बच्चों को वो समझ में नहीं आ रहा, तो ये एक सूटेबल तरीका नहीं है कि एक टॉपिक को समझाने का, क्योंकि कंटेंट तो वही रहेगा, जो टॉपिक है आपको वही चीज समझानी है, लेकिन आप उसे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ समझा सकते हैं। या पनिशमेंट तो कभी भी कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है, तो जहाँ पे पनिशमेंट हो तो वो तो हमेशा नेगेटिव होता है, वो तो है ही नहीं, तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे आप बता सकते हो, क्या इंडिकेशन होते हैं उसके, कि ये एक इंडिकेशन है क्या जो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बाहर की जो फैसिलिटी है, स्कूल की जो फैसिलिटी है कि उसको एयर कंडीशनल आप प्रोवाइड कर रहे हो एक एनवायरमेंट और डिसिप्लिन एनवायरमेंट दे रहे हो, और बाकी फैसिलिटी प्रोजेक्ट्स जो हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर होते हैं वो दे रखे हैं आपने, बाकी कंप्यूटर्स फैसिलिटी है, बाकी जो फैसिलिटीज सबके उनके ऊपर अगर आप बात करें तो ये एक क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं होती, ये एक इंडिकेशन नहीं है, आप फैसिलिटी दे रहे हो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे उसका सही इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो ये आंसर नहीं हो सकता। स्टूडेंट अचीवमेंट लेवल, जो स्टूडेंट का अचीवमेंट लेवल होगा उससे आप बता सकते हैं कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, यानी सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जो होंगे वो अचीव कर रहे हैं अच्छा लेवल, यानी ज्यादातर बच्चे जो होंगे वो पास हो रहे हैं, काफी अच्छा स्कोर कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर आते हैं, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छे हैं, यानी स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छे हैं, ड्राइंग क्राफ्ट में भी अच्छे हैं, डांसिंग में भी अच्छे हैं, तो ये सारी जो अचीवमेंट अगर आ रही है तो इसका मतलब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है उस एरिया के अंदर, तो डेफिनेटली ये इसका आंसर होगा। सी देखते हैं, टेक्स्ट बुक एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो अगर हम टेक्स्ट बुक और टीचिंग लर्निंग मटेरियल के बेस के ऊपर हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि वहां पे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा हो,
तो ये भी नहीं कर सकते और क्लासरूम सिस्टम के ऊपर बेस पे भी नहीं कर सकते, तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो सिर्फ स्टूडेंट के अचीवमेंट के ऊपर हम कर सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोठारी कमीशन रिपोर्ट ऑन एजुकेशन वॉज एंटाइटल्ड एज, तो अगर हम कोठारी कमीशन रिपोर्ट को हम किस और नाम से भी जानते हैं, इसको इसको किस नाम से टाइटल से हम बता सकते हैं इसको, तो वो है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट के अंदर। तो ये बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इसी बेस पे था, तो ऑप्शन जो सी आएगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट इज प्रोफाउंडेड बाय, तो इंटीग्रल एजुकेशन कॉन्सेप्ट जो था वो कौन लेके आए थे, वो थे श्री एरोबिंदु, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये नॉर्मली डायरेक्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नवोदय स्कूल हैज बीन एस्टेब्लिश टू, तो जो नवोदय स्कूल्स थे वो खोलने का इनका मेन एम क्या था, तो वो था टू प्रोवाइड गुड एजुकेशन इन रूरल एरियाज, तो जो भी रूरल एरियाज थे, विलेज वाले एरियाज थे, उन एरियाज के अंदर एक गुड एजुकेशन पहुंचाने का काम था, तो ऑप्शन जो ए आएगा इसका राइट आंसर होगा, ये इनका मेन एम था इसको खोलने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है, कई बार आपने वीडियोस में भी देखा होगा, ये बार बार रिपीट हो रहा है ये वाला क्वेश्चन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन सिस्टम ऑफ एजुकेशन वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, किसने बनाया था ये सिस्टम, वो थे फॉरेबल, तो ये आपको नाम हमेशा याद रखना पड़ेगा, ये सिर्फ इन्होंने ही बनाया था, तो ऑप्शन जो बी आएगा इसका राइट आंसर होगा। तो गाइज ये थे कुछ आज के क्वेश्चन, आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। टीचिंग मेथोडोलॉजी जो पोर्शन है वो बहुत इजी पोर्शन है गाइज, आप प्लीज इस पोर्शन को स्किप मत करना, क्योंकि ये फ्री के मार्क्स होंगे और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे स्कोर करने के लिए, अच्छा स्कोर करने के लिए। और अगर आपने आज अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, एंड आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे क्लियर कर दूंगी। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।